अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। हिंदी इस्लामिक चैनल की सवालात सीरीज़ में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में कुछ सवालात रखेंगे और साथ में उनके सही जवाब भी बताएंगे, जिससे आप लोगों की इस्लामिक जानकारी मज़ीद बढ़ जाएगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें, आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, सबसे पहले अरबी में ख़त किसने लिखा था? आपके ऑप्शन हैं ए फरिश्तों ने, बी हज़रत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम ने, सी हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम ने और डी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी हज़रत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम ने। सवाल नंबर दो, ईमान की कितनी शाखें हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 50, बी 60, सी 70, डी 80। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी 60। सवाल नंबर तीन, कौन सा मुसलमान सबसे अफजल है? आपके ऑप्शन हैं ए मशगूल इबादत वाला, बी अल्लाह के अहकामात पर चलने वाला, सी जिहाद लाजिम करने वाला, डी जिसके हाथ और ज़ुबान से हर मुसलमान महफूज रहे। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी जिसके हाथ और ज़ुबान से हर मुसलमान महफूज हो। सवाल नंबर चार, कौन सा ऐसा बदबخت मोमिन है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मोमिन ही नहीं? आपके ऑप्शन हैं ए शराबी, बी बेहया, सी सिगरेट नोशी करने वाला, डी जिसको उसके अहलो अयाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब हो। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी जिसको उसके अहलो अयाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब हो। सवाल नंबर पाँच, फिरौन बादशाह बनने से पहले क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए खरीदार, बी सौदागर, सी कर्ज़दार, डी शहज़ादा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है सी कर्ज़दार। सवाल नंबर छः, वो कौन सी कौम है जो 300 साल तक सोती रही? आपके ऑप्शन हैं ए याजूज माजूज, बी अस्हाबे कहफ, सी कौम मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम, डी कौम आद अलैहि सलातु वस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी अस्हाबे कहफ। सवाल नंबर सात, नमाज कब तोड़ना जायज़ है? आपके ऑप्शन हैं ए सांप के डर से, बी आवाज़ सुन के, सी इमाम के बुलाने से, डी सूरत भूलने पर। आपका वक्त शुरू होता है अब।
सही जवाब है ए, सांप के डर से, जबकि आपको अपनी जान का खतरा हो। सवाल नंबर 8, सबसे पहले चमड़े का जूता किसने बनाया था? आपके ऑप्शन हैं ए, हज़रत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम ने, बी, हज़रत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम ने, सी, हज़रत लूत अलैहि सलातु वस्सलाम ने, डी, हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम ने। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम ने। सवाल नंबर 9, मौत से 40 दिन पहले कौन सा ख्वाब आता है? आपके ऑप्शन हैं ए, मौत का, बी, जन्नत का, सी, जहन्नुम का, और डी, कोई नहीं आता। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कोई नहीं आता। सवाल नंबर 10, सबसे पहले सर के बाल किसने मुंडवाए थे? आपके ऑप्शन हैं ए, हज़रत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम ने, बी, हज़रत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम, सी, हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम, डी, हज़रत सुलेमान अलैहि सलातु वस्सलाम ने। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है हज़रत आदम अलैहि सलातु वस्सलाम ने। सवाल नंबर 11, सबसे पहले कलम से किसने लिखा था? आपके ऑप्शन हैं ए, हज़रत इदरीस अलैहि सलातु वस्सलाम ने, बी, हज़रत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम ने, सी, हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम ने, डी, हज़रत दाऊद अलैहि सलातु वस्सलाम ने। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, हज़रत इदरीस अलैहि सलातु वस्सलाम ने। सवाल नंबर 12, सरजमीन अरब में सबसे पहले कौन से नबी तशरीफ लाए थे? आपके ऑप्शन हैं ए, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी, हज़रत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम, सी, हज़रत हूद अलैहि सलातु वस्सलाम, डी, हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत हूद अलैहि सलातु वस्सलाम। सवाल नंबर 13, सबसे पहले खुदा की राह में किसने जिहाद किया था? आपके ऑप्शन हैं ए, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी, हज़रत नूह अलैहि सलातु वस्सलाम, सी, हज़रत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम, डी, हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम। तो सही जवाब क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो लोग सही जवाब देंगे हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम ज़रूर मेंशन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।